और बड़ी खबर ग्वालियर से है, सबसे बड़ी खबर है, जहां खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बड़ी बैठक बुलाई है। रानी महल में यह बैठक हो रही है। शिवपुरी क्षेत्र से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहां पहुंचे। शिवपुरी के बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र जैन भी इस बैठक में मौजूद हैं। गोपनीय बैठक में सियासी मंथन चल रहा है और रानी महल में यशोधरा राजे जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। ये देख सकते हैं आप बैठक की तस्वीरें, चारों तरफ मंडल के अंदर विराजमान है यशोधरा राजे सिंधिया, उनके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। क्या इस बैठक के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को यशोधरा समर्थन देंगी या फिर स्वास्थ्य कारणों का जैसा उन्होंने हवाला दिया था उसी के संदर्भ में चुनावी मैदान में बैठी रहेंगी। जावेद हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, क्या यशोधरा राजे सिंधिया की बैठक इंगित करती है, निर्देश देती है या समझ में आता है कि अब बीजेपी प्रत्याशियों को यशोधरा राजे सिंधिया अमित शाह के दौरे के बाद सपोर्ट करेंगी? रानी महल ग्वालियर में बैठक चली, इसमें यशोधरा राजे सिंधिया, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी की संस्थापक राजमाता विजय राजे सिंधिया की आज जयंती है और जयंती समारोह में यशोधरा राजे सिंधिया खासतौर पर यहाँ पर जो उनकी छतरी है उसमें आई हुई थी और उसके बाद यहाँ जो बीजेपी के समर्थक और सीपीडी के पांचों विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ रानी महल में इकट्ठे हुए थे और सबको ये जीत का मंत्र देने के लिए बैठक की गई थी। और बीजेपी के जो नेता हैं पदाधिकारी उनका कहना है कि सबको यशोधरा राजे जी ने यहाँ पर अपने स्वल्प आहार पर बुलाया था और स्वल्प आहार पर बुलाने के बाद उनसे चर्चा की गई है, क्योंकि चुनाव का वक्त है तो सीपीडी के जो प्रत्याशी हैं घोषित देवेंद्र जैन पत्तेवाला वो खास तौर पर मौजूद हैं और निशिकांत दुबे जो प्रभारी हैं शिवपुरी जिले के और सांसद भी हैं वो सब लोग मौजूद हैं और एक एक पांचों विधानसभा सीट जो शिवपुरी जिले की हैं जहाँ की मंत्री और विधायक रही हैं यशोधरा राजे सिंधिया, उन सब पर मंथन चिंतन चल रहा है। कार्यकर्ताओं में बड़ा भारी जोश दिखाई दे रहा है और ये जोश इस बात का है कि वो यशोधरा जी चुनाव मैदान में नहीं है लेकिन उन सबके मार्गदर्शन में यशोधरा जी के जो चुनाव लड़ा जा रहा है और शिवपुरी की सीट जीतने के लिए क्या क्या रणनीति बनाई जा सकती है इसको लेकर चिंतन मंथन यहाँ पर किया जा रहा है। क्या इसे अमित शाह के दौरे से जोड़कर नहीं देखा जा सकता? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो एक एनर्जी और जो मंत्र देखे गए यशोधरा अमित शाह जी जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं उन्होंने 1-2-1 34 विधानसभा सीट के बारे में चर्चा की थी, एक एक से कार्यकर्ता से सभी 6 जिलाध्यक्षों से बातचीत की थी, तो इन सबको लेकर माना जा रहा है कि बैठक महत्वपूर्ण है क्योंकि अब चूंकि बस उल्टी गिनती शुरू हो गई है और 15 दिन बाद चुनाव है, इसको देखते हुए ये सब माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये इसी का असर है। और जो आज चूंकि राजमाता की जयंती थी तो जयंती के समारोह में सब लोग आए हुए थे और बहाना भी था और एक इसकी वजह से रानी महल में जो चहल पहल दिखाई दे रही है उसमें शिवपुरी खासकर फोकस किया जा रहा है। शिवपुरी की 5 विधानसभा सीट है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।